हेलो स्टूडेंट्स माय नेम इज़ प्रदीप आई वेलकम यू ऑल ऑन यर पीडिया एजुकेशन सो टुडे अगेन वी आर गोइंग टू डिस्कस अ टॉपिक ऑफ लॉजिकल रीजनिंग सी सीयर नाउ व्हाट इज़ अ टॉपिक सो टॉपिक नेम इज़ लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स आपको कुछ वर्ड्स दिए जाएंगे उन्हें आपको क्या करना है एक सीकवेंस में लगाना है फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर आपको क्या दिखाए हैं कुछ वर्ड्स दिखाए हैं जो कि किससे बनेंगे लेटर से बनेंगे क्लियर है तो आपको क्या दिया जाएंगे कुछ वर्ड्स दिए जाएंगे देर विल बी फोर टू फाइव वर्ड्स और उन्हें आपने क्या लगाना है लॉजिकली एक सीक्वेंस में लगाना है अरेंज करना है तो इसे आप लॉजिकल अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स भी बोलते हैं तो ये जो लॉजिकल रीजनिंग का टॉपिक है दिस अगेन विल डिपेंड ऑन योर पावर ऑफ रीजनिंग एंड ओवरऑल नॉलेज तो लेट अस सी नाउ व्हाट आर द इंस्ट्रक्शंस नाउ वाइल डूइंग दिस चैप्टर ऑफ लॉजिकल सीक्वेंस वट यू हैव टू द रिक्वायर्ड ऑर्डर और मीनिंगफुल ऑर्डर तो आपको क्या करना होगा कोई रिक्वायर्ड या मीनिंगफुल ऑर्डर इसमें वो पूछेगा क्लियर है तो so, वो आपको फाइंड आउट करना होगा हर क्वेश्चन में तो so, उसका आपको ध्यान रखना है कि मुझे रिक्वायर्ड ऑर्डर और मीनिंगफुल ऑर्डर बनाना है जो भी आपको फोर टू फाइव वर्ड्स दिए होंगे उन्हें आप असेंडिंग ऑर्डर में लगा सकते हो ठीक है उन्हें आप डिसेंडिंग ऑर्डर में लगा सकते हो असेंडिंग मीन्स छोटे से बड़ा स्मॉल टू बिग और डिसेंडिंग बड़े से छोटा क्लियर है सीक्वेंस में लगा सकते हो क्रोनोलॉजी कोई इवेंट्स दे रखे हैं एग्जाम्पल कुछ बैटल्स दे रखी हैं कुछ लड़ाइयाँ दे रखी हैं बैटल ऑफ बक्सर इज देयर बैटल ऑफ इज देयर ठीक है तो उनको आपको क्या करना है किसी क्रोनोलॉजी में लगाना है सीक्वेंस में लगाना है कौन सी पहला कौन सा इवेंट पहले हुआ क्लियर है या हो सकता है वो बात से पूछ ले दैट विल डिपेंड अपॉन ऑप्शन टू ऑप्शन ऑप्शन कैसे दिए मैं क्लियर है तो वो असेंडिंग ऑर्डर में भी दे सकता है ऑप्शन और डिसेंडिंग ऑर्डर में भी दे सकता है किस तरीके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं इवेंट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कौन सा इवेंट पहले हुआ है देन फॉर एग्जाम्पल रैंक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि ठीक है स्मॉल टू बिग रैंक पूछा जा सकता है देन साइज से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकता है इंटेंसिटी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकता है

और फॉर एग्जाम्पल आपसे पूछ ले कि डिस्टेंस बत डिस्टेंस के अकॉर्डिंगली आपको क्या करना पड़ेगा उन ऑर्डर उन वर्ड्स को अरेंज करना पड़ेगा फॉर एग्जाम्पल आपको प्लैनेट्स दे दिए उसने ठीक है हमारे सोलर सिस्टम के कुछ प्लैनेट्स दे दिए और सन से पूछ रहा है कि कौन सा सन के पास है और कौन सा सन से दूर क्लियर है तो इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्लास और ग्रुप से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है तो ये कुछ कॉमन प्रॉपर्टीज हो सकती हैं जो कि तुम्हें ध्यान में रखनी है इसके अकॉर्डिंगली तुम्हें क्या करना है ऑर्डर डिसाइड करना है और ऑर्डर किसके अकॉर्डिंगली डिसाइड करोगे एज पर ऑप्शन ऑर्डर असेंडिंग ऑर्डर भी हो सकता है और डिसेंडिंग ऑर्डर भी हो सकता है सो दैट विल अगेन डिपेंड ऑन ऑप्शन सो बच्चे ये जो टॉपिक है दैट विल अगेन डिपेंड ऑन योर ओवरऑल नॉलेज एंड पावर ऑफ रीजनिंग तो जो नॉलेज वाला पार्ट है मैं वो ज़्यादा से ज़्यादा इसमें कवर करने की कोशिश करूंगा सो नेक्स्ट स्लाइड में देखिए यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल मुझे अगर कुछ एग्जाम्पल्स देने हैं लॉजिकल सीक्वेंसिंग के तो मैं कुछ ऐसे अरेंज कर सकता हूँ अगर मुझे कुछ नंबर दे रखे हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स या मैं सिक्स से वापस जा सकता हूँ वन की तरफ ठीक है ये यहाँ पर आपको टाइम दिया गया है और यहाँ पर आपको क्या दिए गए हैं डेज दिए गए हैं तो ये भी क्या है एक सीक्वेंस है क्लियर है देन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर यहाँ पर देखिए आप ठीक है वो कप लेट पहले कौन सा ही प्रोसेस पहले कौन सा काम होगा आप उठेंगे देन गेट रेडी देन आप कहाँ जाएंगे स्कूल जाएंगे और फिर आप लोगों को बाहर देखेंगे बाइक पर कहाँ जा रहे हैं स्कूल जा रहे हैं सो पीपल आउटसाइड तो ये है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर क्लियर है तो आपको एक सीक्वेंस में क्या करना है इवेंट्स को अरेंज करना है वर्ड्स को अरेंज करना है क्लियर है वो असेंडिंग ऑर्डर भी हो सकता है वो डिसेंडिंग ऑर्डर भी हो सकता है अब इसमें कुछ नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन आते हैं इस चैप्टर में में वो तो जो नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है मैं जल्दी से वो आपके साथ आपको आपको थोड़ा सा बताता हूं कि आपको कैसे ध्यान रखना है किस तरीके का वो क्वेश्चन तुमसे पूछ सकता है क्लियर है तो इस प्रेजेंटेशन के थ्रू आपको क्या करना है मैं जितनी भी स्लाइड इसमें शो करूंगा तो वो किसी ना किसी क्वेश्चन से रिलेटेड होगा ध्यान रखना है इसमें कुछ आपकी नॉलेज से रिलेटेड मैंने स्लाइड्स ऐड की हैं जो कि नॉलेज अनहेंस करने का काम करेंगी फॉर एग्जांपल उसने आपको पांच प्राइम मिनिस्टर्स के नाम दे दिए और उसने एक ऑर्डर में उन्हें अरेंज करने के लिए बोल दिया तो आपको इंडिया के प्राइम मिनिस्टर्स का नाम पता होना चाहिए और ये पता होना चाहिए कौन सा पर्सन प्राइम मिनिस्टर पहले बना था फॉर एग्जाम्पल जवाहरलाल नेहरू थे सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया देन गुलजारी लाल देयर देन लाल बहादुर शास्त्री दैन अगेन गुजारीलाल नंदा दैन इंदिरा गांधी मुरारजी देसाई चरण सिंह इंदिरा गांधी राजीव गांधी वी पी सिंह चंद्रशेखर देन पी वी नरसिम्हा राव देन अटल बिहारी वाजपेयी एच डी देवगौड़ा इंद्र कुमार गुजराल अगेन ए बी वाजपेयी वॉज देयर देन उसके बाद देखिए यहाँ पर मनमोहन सिंह वॉज देयर देन नरेंद्र मोदी जो कि अभी तक हैं क्लियर है तो आपको एक आइडिया रखना है कि कौन सा पर्सन प्राइम मिनिस्टर पहले बना था ये तुम्हें आइडिया होना चाहिए तो अगर उसने 5 से टू पांच नेम्स अगर उसने दे दिए जो के ऐसे पर्सन के जो कि प्राइम मिनिस्टर रहे हैं कॉमन प्रॉपर्टी क्या रहेगी इसमें प्राइम मिनिस्टर्स ऑफ इंडिया तो आपको पता होना चाहिए कौन प्राइम मिनिस्टर पहले बना था उसके अकॉर्डिंगली आप क्या कर सकते हो उन्हें अरेंज कर सकते हो तो ये लिस्ट तुम्हें ध्यान में रखनी है वाइल सॉल्विंग क्वेश्चन रिलेटेड टू प्राइम मिनिस्टर्स ऑफ इंडिया ऐसे क्वेश्चन आ भी चुके हैं लॉजिकल सिक्वेंसिंग में क्लियर है सो दैट विल अगेन डिपेंड ऑन योर नॉलेज तो ये हैं कुछ इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर्स बने हैं नेक्स्ट देखिए प्रेसिडेंट्स ऑफ इंडिया प्रेसिडेंट्स ऑफ इंडिया कौन कौन रहे हैं सबसे पहले कौन बना था राजेंद्र प्रसाद देन उसके बाद कौन बना था सरपल्ली राधा कृष्णन देन जाकिर हुसैन देन वीवी गिरी देन फकरुद्दीन अली अहमद देन नीलम संजीवा रेड्डी देन जैल सिंह देन वेंकट रमेन ंकर दयाल शर्मा देन के आर नारायणन देन मिसाइल मैन ऑफ इंडिया ए पीजे अब्दुल कलाम प्रतिभा पाटिल वॉज देयर प्रणब मुखर्जी देन रामनाथ कोविंद एट प्रेजेंट तो ये कुछ नेम्स हैं जो की ऐसे पर्सन है जो कि इंडिया के प्रेजिडेंट रह चुके हैं तो इनमें से अगेन आपको फाइव टू सिक्स नेम्स देगा और एक ऑर्डर में अरेन्ज करने के लिए बोलेगा इंडिया प्रेजिडेंट क्लियर है तो वाइस प्रेसिडेंट्स के भी नेम तुम्हें पता होने चाहिए तो करंट में कौन है इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट दैट इज एम वेंकैया नायडू दैट इज वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सबसे पहले कौन बना कौन था सरपल्ली राधा देन जाकिर हुसैन देन वीवी गिरी देन गोपाल स्वरूप पाठक देन अगेन के आर नारायणन शंकर दयाल शर्मा ठीक है तो ये कुछ लिस्ट दी है मैंने अगेन गोपाल स्वरूप पाठक के बाद आपको यहां पर आना है दैट इज बी डी जट्टी देन मोहम्मद हिदायतुल्ला देन राम रामास्वामी वेंकट रमन देन शंकर दयाल शर्मा देन के आर नारायणन देन कृष्णकांत देन भैरू सिंह शेखावत देन मोहम्मद हामिद अंसारी देन एम वेंकैया नायडू तो ये आपको क्या करना है ये जो मैंने आपको सीक्वेंस दिखाई है इसे एक बार जरूर ध्यान में रखना है क्लियर है तो मैं आपके साथ वाइस प्रेसिडेंट्स के बारे में डिस्कस कर चुका हूं मैं आपके साथ प्रेसिडेंट्स ऑफ इंडिया के बारे में डिस्कस कर चुका हूं और प्राइम मिनिस्टर्स ऑफ इंडिया के बारे में डिस्कस कर चुका हूं ठीक है इनकी सीक्वेंस वो पूछ सकते हैं आपको कोई फाइव टू सिक्स वर्ड्स दिए जा सकते हैं जिनमें कि प्राइम मिनिस्टर हो सकते हैं कॉमन प्रॉपर्टी क्या हो सकती है प्रेजिडेंट हो, हो, हो सकते हैं या वाइस प्रेजिडेंट्स हो सकते हैं इनके नेम्स हो सकते हैं क्लियर है तो कॉमन प्रॉपर्टी कुछ भी हो सकती है इन क्वेश्चन में अगेन अगर मैं थोड़ा सा हिस्ट्री से रिलेटेड बात करूं तो हिस्ट्री का थोड़ा सा रफ आइडिया आपको होना चाहिए अगेन देखिए यहाँ पर बी का मतलब क्या होता है हिस्ट्री में दैट इज बिफोर क्राइस्ट और बी क्या होता है बिफोर कॉमन एरा देन ए क्या होता है दैट इज एनो डोमिनी एंड सी ई स्टैंड फॉर कॉमन एरा अब इंडियन हिस्ट्री आप कैसे स्टडी करते हैं दैट इज एशियंट मेडिवियल एंड मॉडर्न अब क्रोनोलॉजी में क्या बता रहा हूँ ईयर क्या होता है अ ईयर हैज ट्वेल्व मंथ्स डेकेड में डेक्टेड में कितने ईयर्स आते हैं टेन ईयर्स सेंचुरी में कितने आते हैं हंड्रेड ईयर्स मिलेनियम में कितने आते हैं थाउजेंड इयर्स ईयर्स क्लियर है तो अब आपको थोड़ा सा ये पता होना चाहिए कि एशियंट हिस्ट्री कब से कब तक स्टडी करते हो आप थ्री थाउजेंड बी से लेकर फोर सेवेंटी सिक्स ए तक देन उसके बाद आ जाता है मिडल एजिस दैट इज उसे मेडिविल हिस्ट्री बोलते हो देन उसके बाद मॉडर्न हिस्ट्री क्लियर है अब आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि हिस्ट्री में कौन सा इवेंट कब हुआ था तो मैं आपके साथ मेन मेन इवेंट इसमें डिस्कस करूंगा देखिए यहाँ पर सबसे पहले अगर मैं आपके साथ डिस्कस करूँ तो दैट वाज अर्ली हड़प्पन फेज दैट इज थर्टी थ्री हंड्रेड टू ट्वेंटी सिक्स हंड्रेड बी सी क्लियर है स्टूडेंट्स देन उसके बाद ये हड़प्पन फेज मैंने लेटर हड़प्पन फेज कब तक रहा है थर्टीन हंड्रेड बी सी तक उसके बाद वैदिक पीरियड आ गया था देन उसके बाद रिग वैदिक पीरियड एंड लेटर वैदिक एज राइज ऑफ जैनिज्म एंड बुद्धिज्म देयर क्लियर है तो उसके बाद ये आ गया है लेटर मेडिवियल पीरियड उसके बाद पोस्ट मेडिवियल एरा दे कोलोनियल एरा क्लियर है ब्रिटिशर्स का रूल कोलोनियल एरा देन इंडिपेंडेंट एंड मॉडर्न इंडिया जो कि अभी तक है नाइनटीन से लेकर अब तक क्लियर है तो आपको ये इनमें से कुछ नेम दे सकता है और अकॉर्डिंगली क्या कर सकते हो अगर आपको ये इमेज ध्यान में है तो आप क्या कर सकते हो उन्हें अरेंज कर सकते हो और थोड़ा सा अगर मैं अच्छे से आपको समझाऊं तो एशियंट हिस्ट्री के लिए ये आपको याद रखना है फोर थाउजेंड से लेकर फाइव हंड्रेड ए डी तक रफ रफ आइडिया ध्यान रखना मेडिवल हिस्ट्री फाइव हंड्रेड से फिफ्टीन हंड्रेड ए डी देन उसके बाद मॉडर्न हिस्ट्री फिफ्टीन हंड्रेड ए डी से लेकर प्रेजेंट तक क्लियर है स्टूडेंट्स तो आई थिंक आपको क्लियर होगा ये जो मैंने पिक्चर्स यहाँ पर शो की हैं इससे आपको काफी क्लियर होगा एशियंट हिस्ट्री मेडिवियल हिस्ट्री एंड मॉडर्न हिस्ट्री देन कौन कौन से मेन इवेंट्स रहे हैं अगर मैं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की बात करूं तो 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी वाज फॉर्म देन इसमें जो मेन इवेंट जो आपको ध्यान में रखना है दैट इज 1757 में कौन सी बैटल हुई थी दैट वाज बैटल ऑफ प्लासी अगेन इसमें एक इवेंट नहीं प्रेजेंट है दैट इज 1764 में कौन सी फेमस बैटल हुई थी दैट वाज बैटल ऑफ बक्सर कौन सी बैटल हुई थी बैटल ऑफ बक्सर तो बैटल ऑफ प्लासी 57 में हुई थी और 64 में कौन सी हुई थी बैटल ऑफ बक्सर देन उसके बाद कुछ एंग्लो माइजोर वॉर्स भी हुई हैं क्लियर है देन उसके बाद इसमें जो मेन इवेंट जो तुम्हें ध्यान में रखना है दैट इज फर्स्ट रेलवे लाइन बिटवीन थाने एंड बॉम्बे दैट वॉज एटीन फिफ्टी थ्री देन रिवोल्ट ऑफ एटीन फिफ्टी सेवन हुआ था कब दैट इज 1857 में हुआ था दैट इज इंडियन सिपा क्लियर है तो ये कुछ मेन इवेंट्स हैं जो कि तुम्हें ध्यान में रखने हैं देन क्रोनोलॉजी अगेन इसके लिए दोबारा से मैंने एक टेबल दिया है जिसे तुम ध्यान में सकते हो हड़प्पन सिविलाइजेशन ये आपको याद करना है ये जो टेबल है 2600 से लेकर 1900 BCE देन अराइवल ऑफ आर्यंस 1500 BC लाइफ ऑफ गौतम बुद्ध 562 480 BCE इंडिया पर अटैक किया अलेक्जेंडर द ग्रेट ने कब थ्री ट्वेंटी सिक्स बी सी ई दैन मोरन डायनेस्टी कब एस्टैब्लिश हुई थ्री ट्वेंटी फोर बी सी ई चंद्रगुप्त मौर्या का रूल कब से कब तक रहा थ्री ट्वेंटी फोर से लेकर थ्री हंड्रेड वन बी सी अशोका का रूल कब से कब तक रहा दैट इज टू सिक्सटी नाइन से लेकर टू थर्टी सिक्स बी सी मोरन डायनेस्टी कब कोलेक्ट्स हुई वन एट्टी थ्री बी सी ई कुशान किंगडम का राइज फर्स्ट सेंचुरी सी ई तो ये कुछ आपको इवेंट्स दिए हुए एशियंट इंडिया के मेन मेन इवेंट्स जो कि वो वहां पर पूछ सकता है लॉजिकल सिक्वेंसिंग में अब अगेन ये जो चैप्टर है आपकी नॉलेज पर डिपेंड करेगा इसमें काफी सारे क्वेश्चन तो इस तरह के क्वेश्चन अगर आपको थोड़ा सा रफ आइडिया है तो आप आंसर कर सकते हैं अगेन ये टाइमलाइन दी है इंडियन हिस्ट्री की अगर इसमें से मेन मेन इवेंट मैं बता रहा हूँ इंडस वैली सिविलाइजेशन 2500 से लेकर 1500 बीसी देन इसमें मैं ये डिस्कस कर चुका हूं तुम्हारे साथ एशियंट इंडिया उसके बाद मैं मेडिवियल हिस्ट्री आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ मेडिवियल हिस्ट्री में यहाँ पर देखिए फर्स्ट बैटल ऑफ टेरेन दैट इज 1191 देन 1192 दैट इज सेकंड बैटल ऑफ टेरेन क्लियर है देन डेली सल्तनत डेली सल्तनत कब आपने एस्टेब्लिश की दैट इज 1206 क्लियर है देन डेथ ऑफ कुतुबुद्दीन ऐबक इन 1210 देन रूल ऑफ इल्तुतमिश इन 1210 टू 1236 तो ये कुछ मैंने यहाँ पर बताए हैं आपको कुछ इवेंट्स और इम्पोर्टेंट इवेंट्स बताए हैं इस टेबल को भी आपने ध्यान में रखना है ये अच्छे से क्या कर रहा है आपका जो एशियंट और मेडिवियल हिस्ट्री है उसको डिस्क्राइब करता है नेक्स्ट अब इसके बाद कुछ फेमस मुगल एम्प्रायर हुए हैं उसका सीक्वेंस तुमसे पूछा जा सकता है तो और इसके साथ आपको ये भी बताया गया है कि उनके टाइम पर मुगल एम्पायर कैसा था तो सबसे पहले बाबर आए देन हुमायूं देन अकबर देन जहांगीर देन शाहजहां देन औरंगजेब क्लियर है तो ये सीक्वेंस तुम्हें ध्यान में रखनी है फेमस मुगल एम्परर्स की दैट कम्स इन मेडिवियल हिस्ट्री नेक्स्ट इंडियन नेशनल मूवमेंट्स की मैं बात कर लूँ कुछ जो कि इंडियन नेशनल मूवमेंट्स हुई हैं तो एटीन फिफ्टी सेवन रिवोल्ट वी हैव डिस्कस्ड एटीन एटी फाइव में इंडियन नेशनल कांग्रेस बनी पार्टीशन ऑफ बंगाल का बुआ इसे करेक्ट करो दैट इज नाइनटीन जीरो फाइव है ये 1989 नहीं है दट इज़ 1905. जीरो फाइव देन मुस्लिम लीग एस्टेब्लिश हुआ नाइनटीन जीरो सिक्स में स्वदेशी मूवमेंट अगेन कब हुई थी दैट इज़ नाइनटीन जीरो फाइव मोरले मिंटो रिफॉर्म्स कब आए नाइनटीन जीरो नाइन में लखनऊ पैक्ट कब साइन हुआ दैट इज़ नाइनटीन सिक्सटी होम रूल मूवमेंट दैट इज नाइनटीन फिफ्टी टू नाइनटीन सिक्सटी गांधी इरा नाइनटीन एटीन टू नाइनटीन फोर्टी सेवन खिलाफत मूवमेंट नाइनटीन ट्वेंटी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट रोवालक्ट नाइनटीन नाइनटीन बाग में से नाइनटीन नाइनटीन Then, बता चुका हूं, 1920. इसके बाद भी कौन सी मूवमेंट आई एक सिविल मूवमेंट आई एक मूवमेंट तो आपको ये क्रोनोलॉजी भी पूछी जा सकती है ये सीक्वेंस पूछे जा सकते हैं इंडियन नेशनल मूवमेंट्स के क्लियर है स्टूडेंट्स सो ये है पूरे टाइमलाइन ऑफ इंडिया ये जो मैंने इस स्लाइड में तुम्हें दिखाया है इसमें मैंने एशियन तुम्हारे साथ डिस्कस किया है और मेडिवियल भी डिस्कस किया है और मॉडर्न इंडिया भी डिस्कस किया है तो इसको तुम ध्यान में रख सकते हो क्लियर है नेक्स्ट देखिए अगर मैं ज्योग्राफी से रिलेटेड सिक्वेंसिंग की बात करूँ तो किस तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वो आपको पूछ सकता है कि मुझे सिटीज या कैपिटल्स को लगाना है फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ या वेस्ट टू ईस्ट ऐसे पूछ सकता है या ईस्ट टू वेस्ट किसी भी डायरेक्शन में पूछ सकता है किसी सीक्वेंस में उसने सिटीज अरेंज किए हुए हैं क्लियर है तो किसी भी तरीके से आपसे वो पूछ सकता है तो आपको इंडिया के मैप का थोड़ा सा ध्यान रखना है क्लियर है नेक्स्ट देखिए इसमें इसमें कुछ इंडिया फिजिकल फीचर से रिलेटेड भी पूछ सकता है फॉर एग्जाम्पल उसने कुछ माउंटेन रेंजेस दे दी कि कौन सी माउंटेन रेंज नॉर्थ में है नॉर्थ टू साउथ अरेंज करो इस तरीके से पूछ सकता है ठीक है रिवर्स का पूछ सकता है नॉर्थ टू साउथ अरेंज करना क्लियर है तो इस तरीके के क्वेश्चन भी इसमें पूछे जा सकते हैं तो आपको इंडिया फिजिकल मैप का भी ध्यान में को ध्यान में रखना है नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि इंडियन स्टेट्स की रैंकिंग करो बाय पॉपुलेशन पॉपुलेशन वाइज तुम्हें कुछ आइडिया होना चाहिए सब ज्यादा पॉपुलेशन किसकी उत्तर प्रदेश सेकंड इज महाराष्ट्र थर्ड इज बिहार फोर्थ इज वेस्ट बंगाल फिफ्थ इज आंध्र प्रदेश तो ये कुछ स्टेट्स हैं बाय पॉपुलेशन जिनकी रैंकिंग तुमने किसके बेसिस पर करी है पॉपुलेशन के बेसिस पर ठीक है तो ये कुछ स्टेट्स तुम्हें ध्यान में रखनी है स्टेट्स दे सकता है क्लियर है

नेक्स्ट देखिए तो कुछ भी वो पूछ सकता है जोग्राफी में तुमसे लार्जेस्ट टॉप टेन लार्जेस्ट कंट्रीज बाय एरिया एरिया वाइज टॉप लार्जेस्ट कंट्री कौन कौन सी है रशिया कैनेडा यूएस चाइना ब्राजील ऑस्ट्रेलिया इंडिया तो इंडिया कौन से नंबर पे आता है दैट इज सेवंथ क्लियर है तो टॉप टेन लार्जेस्ट कंट्रीज बाय एरिया कुछ कंट्रीज का नाम दे दिया और वो उसमें कुछ एस, इस तरीके के ऑप्शन दिए हुए हैं कि वो अरेंज कैसे करवा रहा है एरिया वाइज तो तुम्हें थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि कौन सी कंट्री का एरिया सबसे ज्यादा दैट इज रशिया एंड कैनेडा थर्ड पर यूएसए और इंडिया कौन से पर आता है सेवंथ पर देन आपसे ये भी पूछ सकता है कि वो सन से डिस्टेंस तुमसे पूछ सकता है क्लियर है सन से सबसे रिलेटेड कौन सा दिखा रहा है यहाँ पर मर्करी देन मीनस इज देन मार्स देन जुपिटर देन सेटरन देन यूरेनस देन नेपट्टिन क्लियर है तो इस तरीके से तुमसे वो पूछ सकता है सोलर सिस्टम से रिलेटेड क्वेश्चन तो ये तुम्हें ये भी तुम्हें ध्यान में रखना है जो हमारा सोलर सिस्टम है अगेन कॉन्टिनेंस रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकता है सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट कौन सा है दैट इज एशिया बाय एरिया वाइज सेकेंड नंबर पर कौन आता है दैट इज अफ्रीका थर्ड नंबर पर आता है नॉर्थ अमेरिका फोर्थ पर आता है साउथ अमेरिका फिफ्थ पर आता है अंटार्क्टिका सिक्स्थ पर आता है यूरोप सेवन्थ पर आता है ऑस्ट्रेलिया तो ये आपको लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट आपको क्या दिखाए गए हैं कॉन्टिनेंट्स दिखाए गए हैं एरिया वाइज तो इनकी सीक्वेंस भी तुम्हें ध्यान में रखनी है नेक्स्ट रेनबो कलर्स रेनबो कलर्स में लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुका हूं क्वेश्चन में विब ग्योर क्या निमोनिक बनाया हुआ इसका आपने विब ग्योर तो इन कलर्स की सीक्वेंस पूछ सकता है वो वायलेट इंडिगो ब्लू ग्रीन येलो ऑरेंज रेड देन आपसे क्या पूछ सकता है यूनिट्स रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकता है ठीक है तो अगर मुझे यहाँ पर डिस्कस करना है तो मिली टेन पावर माइनस थ्री माइक्रो इज टेन पावर माइनस सिक्स नैनो टेन पावर माइनस नाइन पी को पावर माइनस ट्वेल्व देन उसके बाद यहाँ पर देखो टेन पावर माइनस टू क्या होता है दैट इज सेंटीमीटर ठीक है एक अगर मैं बात करूँ तो ये दिया हुआ है ये कैसे दिया हुआ है आपको अगर तुम ध्यान से देखो दैट इज अगर मैं इसे ध्यान से देखूँ तो ये कितना है वन मीटर इज इक्वल टू हंड्रड सेंटीमीटर क्लियर है वन मीटर कितना होता है हंडर्ड सेंटीमीटर तो इस तरीके से उसने तुम्हारे साथ डिस्कस किया है ये डेसी का बताया है ये डेका बताया है ये हेक्टो उसने बताया है देन किलो में बताया ठीक है किलो कितना होता है दैट इज़ टेन पावर थ्री देन मेगा कितना होता है टेन पावर सिक्स तो इंजीनियर्स क्या करते हो आप स्ट्रेस निकालते हो मेगा पास्कल में तो वहाँ पर टेन पावर सिक्स तुम यूज़ करते हो गीगा में दिया होता है कई बार गीगा पास्कल ठीक है तो टेन पावर नाइन का यूज़ करते हो टेरा की कितनी वैल्यू होती है दैट इज टेन पावर ट्वेल्व तो ये भी तुम्हें दे सकता है इन्हें भी अरेंज करना आना चाहिए तो यहाँ पर इसमें जो इंपॉर्टेंट है ये तो आपको पता होगा और ये भी पता होगा बट तो आपको ये ध्यान में रखना है सेंटी डेसी डेका हेक्टो क्लियर है स्टूडेंट्स सो दैट इज ऑन मेट्रिक स्केल अगेन अगर मैं डाटा स्टोरेज की बात करूँ तो वन बाइट इज एट बिट्स देन वन किलो बाइट इज वन जीरो टू फोर बाइट देन वन मेगा बाइट कितना होता है वन जीरो टू फोर किलो बाइट वन ज़ीरो टू फोर मेगा बाइट कितना होता है वन गीगाट एंड वन जीरो टू फोर देन वन जीरो टू फोर गीगाइट कितना होता है दैट इज वन टेरा बाइट तो डाटा स्टोरेज का भी तुम्हें पता होना चाहिए तो आई थिंक क्लियर होंगे ये आपको टेबल्स जो मैंने तुम्हारे साथ डिस्कस किए हैं अगेन ये कुछ और यहाँ पर मैंने आपके साथ और वैल्यूज डिस्कस किए हैं किलो में डिस्कस कर चुका हूँ मे मेगा आई हैव डिस्कस गीगा आई हैव डिस्कस टेरा आई हैव डिस्कस टेरा से आगे क्या आता है पेटा योटा, ठीक है तो इनका हल्का सा आइडिया एक तुम्हें होना चाहिए तभी तुम वहां पर अरेंज कर पाओगे आई थिंक क्लियर होगा आपको ये मैट्रिक प्रीफिक्स स्केल एंड डाटा स्टोरेज टेबल। नेक्स्ट देखिए ऑर्डर्स ऑफ मैग्नीट्यूड क्लियर है हंड्रेड में देखिए यहां पर कितना है इन हंड्रेड यू मैग्नीट्यूड देखो यहां पर थ्री यहां पर डिजिट्स दिए हुए हैं वन जीरो मिलियन बिलियन में कितनी ज़ीरोज़ आती हैं दैट इज़ सिक्स ज़ीरोज़ क्लियर है तो इसे करेक्ट करो यहाँ पर थ्री जीरोज़ हैं और यहाँ पर टू जीरोज़ हैं यहाँ पर देखो अब वन बिलियन में कितनी है दैट इज़ नाइन जीरोज़ देन वन ट्रिलियन इज़ ट्वेल्व जीरोज़ एंड वन क्वाड्रिलियन इज़ फिफ्टीन जीरोज़ तो इसका तुम्हें ध्यान रखना है ऑर्डर्स ऑफ मैग्नीट्यूड से रिलेटेड वो तुमसे क्वेश्चन पूछ सकता है तो इसका तुम ध्यान रखोगे हंड्रेड में कितनी जीरोज है थाउजेंड में मिलियन में बिलियन में कितनी जीरोज आती हैं ये तुम्हें पता होना चाहिए क्लियर है ट्रिलियन में कितनी आती क्वाड्रिलियन में कितनी आती हैं नेक्स्ट मैं कुछ अब आपके लास्ट ईयर के जो क्वेश्चन हैं उसमें कुछ इस तरीके के भी क्वेश्चन पूछे गए हैं लाइफ साइकिल से रिलेटेड ठीक है तो सबसे पहले अगर मैं पर्सन की बात करूँ तो फीटस होता है सबसे पहले देन एक इन्फेंट होता है ठीक है बेबी होता है दैट इज एक साल तक देन वो क्या बनता है एक से तीन साल तक टॉडलर देन उसके बाद प्री स्कूलर बनता है प्राइमरी स्कूल बॉय तो ये इसका चाइल्डहुड बता रहा है देन उसके बाद वो क्या बन जाता है अडोलोसेंस एज में आ जाता है दैट इज़ टीन एजर थर्टीन टू नाइनटीन ईयर्स देन वो अडल्ट हो जाता है अडल्टुड आ जाता है उसमें थर्टी सिक्स टू फिफ्टी फाइव ईयर्स दैन ओल्ड पर्सन सिक्सटी फाइव प्लस तो लाइफ साइकिल ऑफ अ पर्सन भी तुमसे पूछा जा सकता है फिटनेस से लेकर ओल्ड पर्सन तक तुमसे पूछ सकता है अरेंज करवा सकता है क्लियर है तो इसमें आपको अडोलोसेंस और अडल्टुड में कन्फ्यूज नहीं होना है ना ही इन्फेंट में कन्फ्यूज होना है नेक्स्ट देखिए देखिए अगर मैं किसी विमेन की बात करूं गर्ल चाइल्ड की बात करूं तो उसमें देखिए क्या क्या चेंजेस आते हैं जैसे चाइल्डहुड रहेगा स्टार्टिंग में उसके बाद आएगा दैट इज प्यूबर्टी आएगा टेन टू ट्वेल्व दैट इज टेन टू फोर्टीन ईयर्स दैट इज़ प्री एडोलोसेंस भी बोलते हैं इसे देन उसके बाद एडोलोसेंस आएगा थर्टीन टू एटीन ईयर्स क्लियर है देन उसके बाद अर्ली अडल्टुड रहेगा और ओल्ड एज में क्या भी बोलते हो आप इसे दैट इज सीनेस्केंस सीनेस्कैंस सिक्सटी ईयर्स टू डेथ तो ये पीरियड आपको ध्यान में रखना है तो इसमें आपको चाइल्ड हुड प्यूबर्टी एडोलोसेंस एंड दैट इज सीनेस्केंस ये तुम्हें ध्यान में रखना है नेक्स्ट देखिए अगर मैं प्लांट की लाइफ साइकिल की बात करूँ तो सबसे पहले सीड देते हैं आप ठीक है स्प्राउट निकलता है फिर उसमें रूट्स आती हैं स्टेम आता है लीफ आता है देन उसमें फ्लावर आता है देन उसमें फ्रूट होता है लाइफ साइकिल ऑफ अ प्लांट यहाँ पर दिखाई है और इसे भी वो तुमसे अरेंज करवा सकता है किसी भी ऑर्डर में सो दैट अगेन डिपेंड ऑन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ द ऑप्शन गिवन देन मैं किसी ट्री की बात करूँ तो सेम है ये प्लांट की तरह ही तो सीड डालोगे आप पहले देन सीड विद लीव होगा ट्री देन देर विल बी ग्रोइंग ट्री ठीक है देन देर विल मेच्योर ट्री विद फ्रूट कंटेन सीड्स सीड्स ठीक है टू ग्राउंड एंड बिकम सीड्स तो ये है ट्री से ट्री से रिलेटेड अगर मैं बात करूँ तुमसे देन तुमसे किंगडम के बारे में पूछ सकता है वो प्लांट्स के कितने टाइप होते हैं दैट इज वेस्कुलर प्लांट्स एंड नॉन वेस्कुलर प्लांट्स ठीक है वेस्कुलर फर्दर क्लासीफाई किए गए सीडलेस एंड सीड प्लांट्स फर्दर एनजियो स्पर्म्स एंड जिम्नोस्पर्म्स ठीक है फ्रेंड तो, जी हम क्लास नाइन्थ में स्टडी करते हैं प्लांट किंगडम तो इस तरीके का भी तुमसे क्वेश्चन पूछ सकता है वो तो थोड़ा सा तुम्हें आइडिया होना चाहिए कि इस तरीके का क्वेश्चन कैसे करना है अगेन वो प्लांट्स से रिलेटेड काफी क्वेश्चन आए हुए हैं प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में ये थोड़ा सा यहाँ पर जो इमेज दी हुई है ध्यान से देखो रूट इज देयर स्टेम इज देयर देन स्टॉक इज देयर बर्ड इज देयर फ्लावर इज देयर क्लियर है ये तुम्हें ध्यान में रखना है अगर उसे अरेंज करना आ जाए नेक्स्ट क्लासीफिकेशन ऑफ एनिमल्स तुम्हें ध्यान में रखनी है ये तुम्हारे साथ पहले ही डिस्कस कर चुका हूँ मैं वर्टिब्रेट्स होते हैं विद बैक इन वर्टिब्रेट्स विदाउट बैक वार्म ब्लड इज देयर कोल्ड इज देयर Mammals and birds warm fish, reptiles, amphibians, cold friends, तो इस तरीके का भी वो क्वेश्चन पूछ सकता है देन बटरफ्लाई की अगर लाइफ साइकिल मुझे डिस्कस करनी हो तो कैसे मैं डिस्कस करूंगा पहले एग एग के बाद लारवा इज देयर देन अडल्ट इज देयर अगेन एग दे मुझे दोबारा से किसी की लाइफ साइकिल डिस्कस करनी है एग एग हैच होगा कुछ दिन में देन लार्वायर कोकून विल बी देयर देन अडल्टिल बी देयर देन सिल्क व मौत को देख देखो तुम ध्यान से सेम सेम ही है सिल्क व मौत ही मैंने डिस्कस किया है यहां पर एग्स इज देयर लार्वा इज देयर कोकून इज देयर अडल्ट इज देयर देन अगर मैं फ्रॉग की लाइफ साइकिल की बात करूँ ध्यान से देखो एग्स एम्ब्रॉयड टैड पोल देन अगेन यंग फ्रॉग एंड अडल्ट फ्रॉग देन एग्स तो ये कुछ लाइफ साइकिल मैंने तुम्हारे साथ एनिमल्स की डिस्कस की है ठीक है तो ये तुम्हें ध्यान में रखनी है देन फूड चेन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकता है फूड चेन से रिलेटेड क्वेश्चन आए हुए हैं फॉर एग्जाम्पल ग्रास इज देयर ग्रास को कौन इट करेगा ग्रास के ग्रास ऊपर से बर्ड, सेकेंडरी कंज्यूमर उसके बाद स्नेक स्नेक के बाद आउट क्लियर है तो इस तरीके से फूड चेन से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं तो ये भी तुम्हें ध्यान में रखना है अब पार्ट और बॉडी से रिलेटेड भी क्वेश्चन वो तुमसे पूछ सकते हैं फॉर एग्जाम्पल फिंगर्स हैं फिंगर्स के बाद क्या आता है पाम आता है ठीक है पाम के बाद क्या आता है आपका यहाँ पर अगर मैं तुम्हें बताऊं तो एल्बो इज देयर एल्बो के बाद क्या आती है आम आती है आम के बाद क्या आता है शोल्डर आता है तो इस तरीके का क्वेश्चन पूछ सकता है या थाई नी एंकल फुट इस तरीके का क्वेश्चन तुमसे पूछ सकता है वो क्लियर है तो इस तरीके से वो क्वेश्चन पूछ सकता है अरेंज करना हो जिसमें तो पार्ट्स ऑफ बॉडी से रिलेटेड भी क्वेश्चन आ सकता है देन मटीरियल से रिलेटेड मटीरियल कौन से मटीरियल की डेवलपमेंट कब हुई कौन सा मटीरियल सबसे पहले आया दैट इज पहले स्टोन एज थी स्टूडेंट्स देन उसके बाद कौन सी एज आई ब्रोन्ज एज आई ठीक है देन देर वॉज आयरन एज क्लियर है देन देन स्टील एज एज क्लियर है सिलिकॉन तो इस तरीके से वो क्या कर सकता है मटीरियल्स को भी तुमसे अरेंज करवा सकता है इन सम ऑर्डर तो तुम्हें पता होनी चाहिए ये एज देन अब हम कुछ क्वेश्चन स्टडी करने वाले हैं जो कि प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में आए हैं दैट इज लेवल वन प्रैक्टिस क्वेश्चन तो स्टूडेंट्स अब हम इन क्वेश्चन को करेंगे और इनमें क्या करेंगे कोई ना कोई रिलेशन एस्टेब्लिश करेंगे कोई ना कोई कॉमन प्रॉपर्टी आइडेंटिफाई करेंगे और उसके अकॉर्डिंगली क्या करेंगे इनको अरेंज करेंगे तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन इज फैमिली कम्युनिटी मेंबर लोकेलेटी कंट्री अब स्टूडेंट्स इसमें मैं इसे कैसे अरेंज करूँ अब इन पिक्चर से आपको काफ़ी क्लियर होगा कैसे क्लियर होगा तो सबसे पहले यहां पर देखो अगर इस पिक्चर में देखूं तो ये जो फैमिली बनती है किससे बनती है member से तो सबसे पहले बनेगा स्टूडेंट्स तो इसे मैं ए ऑप्शन दूंगा ठीक है member मिलकर क्या शेयर बनाएंगे? बनाएंगे. है? तो करती हैं ठीक है तो वो, तो वो हैं है. है है, जब डिफरेंट फैमिलीज कॉमन वैल्यू शेयर करती हैं तो वो क्या बनाती हैं कॉम्युनिटी बनाती हैं ठीक है और ये कहाँ पर रिसाइड करती हैं कहाँ पर एग्जिस्ट करती हैं एक लोकेलिटी में एग्जिस्ट करती हैं ठीक है तो ये हो गया आपका कॉम्युनिटी ठीक है डिफरेंट फैमिलीज रह रही हैं ठीक है कहाँ पर रह रही हैं लोकेलेटीज में रह रही हैं लोकेलिटी कहाँ होगा किसी ना किसी कंट्री के अंदर होगा तो इसमें आपका मीनिंगफुल ऑर्डर या सीक्वेंस क्या बना सबसे पहले आएगा मेंबर देन मेंबर क्या बनाएंगे फैमिली फैमिली से क्या बनेगी कॉम्युनिटी कॉम्युनिटी कहां पर कहाँ पर रहेंगी एक साथ दैट इज लोकलिटीज में रहेंगी दैट इज ऑप्शन डी और लोकैलिटीज कहाँ एग्जिस्ट करेंगी कंट्री में एग्जिस्ट करेंगी तो ये बनेगा आपका सीक्वेंस ए बी सी डी ई फर्स्ट इज था इसका करेक्ट सीक्वेंस अगर मुझे आंसर लिखना हो तो आंसर कैसे लिखूंगा सबसे तो पहले आएगा थ्री देन आएगा वन देन उसके बाद आएगा टू देन आएगा फोर देन आएगा फाइव तो आंसर इज थ्री वन टू फोर फाइव नेक्स्ट देखिए इसमें बैंगलो फ्लैट कॉटेज पैलेस मैंशन अगर मुझे ये डिस्कस करना है इसे मीनिंगफुल ऑर्डर में लगाना है तो कैसे लगा सकता हूँ ऑफकोर्स दैट विल अगेन डिपेंड अपॉन ऑप्शन टू ऑप्शन ये ऑप्शन असेंडिंग ऑर्डर में है या डिसेंडिंग ऑर्डर में फॉर एक्जाम्पल मैं असेंडिंग ऑर्डर में इसे अरेंज करना चाहता हूँ तो कैसे कर सकता हूँ मैंने इसमें ऑप्शन नहीं दिए हैं बट मैं तुम्हारे साथ डिस्कस कर रहा हूँ तो सबसे पहले कॉटेज आएगा स्टूडेंट्स ठीक है अगर मैं साइज़ वाइज डिस्कस करूँ तो कॉटेज का साइज़ सबसे कम है कॉटेज के बाद फ्लैट्स आएंगे ठीक है फ्लैट का साइज़ होगा ठीक है फ्लैट के बाद किसका साइज़ होगा फ्लैट के बाद किसका साइज़ होगा बेंगलो का ठीक है बेंगलो का साइज़ होगा थ्री टू वन देन उसके बाद साइज किसका होगा मैंशन का और देन उसके बाद साइज किसका आएगा दैट इज पैलेस करेक्ट ऑर्डर विल बी दैट इज पैलेस पैलेस ये palace दिखाया गया है ये mansion दिखाया गया है और ये बैंगलो दिखाया गया है दिस इज दिखाए गए हैं ये कॉटेज दिखाई गई फोर तो आपको इसमें आपने इसमें कैसे अरेंज किया है इन सबको दैट इज अकॉर्डिंग टू साइज तो स्टूडेंट्स अगर मुझे किसी पैलेस का एग्जांपल देना है तो ये जो मैंने पैलेस तुम्हें इस पिक्चर में शो की गई है दैट इज बकिंगम पैलेस बकिंगम पैलेस में कौन रिसाइड करता है यूके की जो मोनार्क हैं वो रिसाइड करती हैं कौन है यूके की मोनार्क दैट इज़ क्वीन एलिजाबेथ टू तो दिस इज बकिंगम पैलेस जहाँ पर यूके की मोनार्क क्वीन एलिजाबेथ टू रिसाइड करती हैं क्लियर है स्टूडेंट्स तो करेक्ट आंसर अगर मुझे अकॉर्डिंग टू साइज अगर कॉमन प्रॉपर्टी मुझे आइडेंटिफाई मैंने कर लिया साइज कॉमन प्रॉपर्टी की आइडेंटिफाई की गई है साइज उसके अकॉर्डिंगली मैंने इन्हें असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया थ्री टू वन फाइव फोर नेक्स्ट देखिए की डोर लॉक रूम स्विच ऑन अफकोर्स इनमें अगर मुझे अब अरेंज करना तो मैं कैसे अरेंज करूँगा अगर इस पिक्चर को तुम ध्यान से देखो यहाँ पर यह जी आई दिखाई गई है इसमें आपको सबसे पहले की दिखाई गई है तो सबसे पहले आपके पास की होगी ठीक है की आप कहाँ पर आ, की किस में आ, इंसर्ट करोगे आप दैट इज लॉक में तो थ्री आ जाएगा वन थ्री जो कि आप इस फर्स्ट पिक्चर में देख पा रहे हो देन उससे क्या ओपन हो जाएगा दैट इज डोर ठीक है की को आपने लॉक में इंसर्ट किया लॉक ओपन लॉक जैसे ही ओपन किया तो उसे डोर ओपन हो जाएगा आपका देखो इस पिक्चर में जैसे ही डोर ओपन हुआ तो आप रूम में चले गए तो रूम में जाने के बाद ये बच्चा क्या कर रहा है लाइट्स ऑन कर रहा है स्विच ऑन कर रहा है आंसर तो क्या बना वन थ्री टू फोर फाइव ठीक है तो करेक्ट ऑर्डर क्या बनेगा इसका दैट इज वन थ्री टू फोर फाइव तो आई थिंक इन इन पिक्चर्स के थ्रू आपको ये इवेंट्स क्लियर होंगे कि कैसे ये इवेंट हो रहे हैं क्लियर है ये प्रोसेस कैसे हुआ नेक्स्ट देखो मिल्की वे सन मून अर्थ स्टार्स अब यहाँ पर ये मून दिखाया गया है ठीक है ये आपको जो सबसे कम साइज का जो यहाँ पर आपको दिख रहा है दैट इज अ मून ये जो बॉडी दिख रही है आपको एंड दिस इज अर्थ जो ब्लू कलर में दिखाया गया है दिस इज सन और ये स्टार्स हैं और ये गलेक्सी है दैट इज मिल्की वे गलेक्सी ठीक है अब अगर मैं यहाँ पर डिस्कस करूँ इन्हें अरेंज कैसे किया जा सकता है सबसे पहले कौन सा आएगा मून आएगा मून का साइज सबसे कम है थ्री आएगा सबसे पहले उसके बाद कौन सा आएगा फोर आएगा ठीक है मून के बाद किसका साइज आएगा अर्थ का आएगा जो कि मैंने यहाँ पर दिखाया थ्री फोर ठीक है three, उसके बाद साइज किसका आएगा सन का आएगा सन के बाद साइज किसका आएगा स्टार्स का आएगा ठीक है और ग्रुप ऑफ स्टार्स कहाँ पर होते हैं दैट इज़ मिल्की वे गैलेक्सी गलेक्सी में होंगे तो so सबसे आखिरी में गलेक्सी आएगी सो दैट इज वन सो आंसर विल बी थ्री फोर टू फाइव वन क्लियर है तो आपको ये मिल्की वे गैलेक्सी दिखाई गई है जो कि क्या है ग्रुप ऑफ स्टार्स कैसी शेप होती है इसकी स्पाइरल शेप क्लियर है स्टूडेंट्स तो ये हमारे सोलर सिस्टम को कंटेन करती है अब इसमें जो करेक्ट ऑर्डर रहेगा दैट विल बी तो सबसे पहले मून आएगा देन उसके बाद अर्थ आएगा अकॉर्डिंग टू अगर मैं साइज बात करूं देन उसके बाद सन आएगा सन के बाद स्टार्स आएंगे स्टार्स के बाद क्या होगा दैट इज मिल्की वे गैलेक्सी आंसर इज थ्री फोर टू फाइव वन नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर मेजर कैप्टन लेफ्टिनेंट कर्नल कर्नल कर्नल्टिनेंट तो आपको कुछ रैंक्स दिए मैं तो जैसे ही तुम रैंक स्टडी करोगे तो मैं आइडिया हो जाएगा कि ये रैंक्स किससे बिलोंग करते हैं सो दैट दैट इज रिलेटेड टू आर्मी तो ल्यूटिनेंट आप देख पा रहे हो इस पिक्चर में सबसे पहले आएगा तो फाइव को सबसे पहले लिखना पड़ेगा फाइव के बाद मुझे किस लाख किसको लिखना पड़ेगा कैप्टन को लिखना पड़ेगा ल्यूटिनेंट के बाद फाइव के बाद क्या आ जाएगा टू आ जाएगा कैप्टन के बाद क्या आएगा मेजर आएगा मेजर का क्या होएगा वन वन के बाद क्या आ जाएगा दैट इज ल्यूटिनेंट कर्नल दैट इज थ्री और ल्यूटिनेंट कर्नल के बाद क्या आ जाएगा दैट इज

कंसल्टेशन इलनेस डॉक्टर ट्रीटमेंट रिकवरी तो सबसे पहले ये देखिए यहाँ पर सबसे पहले आप क्या होगे इल होगे ठीक है सबसे पहले बीमार होगे ठीक है देन आप किसके पास जाओगे डॉक्टर के पास जाओगे ठीक है डॉक्टर के पास जैसे ही गए आप तो उसके बाद क्या करोगे कंसल्ट करोगे डॉक्टर को कंसल्टेशन विद डॉक्टर करोगे ठीक है उसके बाद आप क्या लोगे ट्रीटमेंट लोगे और ट्रीटमेंट लेने के बाद आप फाइनली क्या कर लोगे रिकवरी कर लोगे आंसर तो क्या बनेगा टू थ्री वन फोर फाइव तो ये था एक करेक्ट ऑर्डर जिसमें तुम इन पांच वर्ड्स को क्या कर सकते हो अरेंज कर सकते हो तो आंसर इज टू थ्री वन फोर फाइव सबसे पहले बीमार होगे ठीक है इल पढ़ोगे इल हो जाओगे फिर डॉक्टर के पास जाओगे क्लियर है फिर कंसल्ट करोगे डॉक्टर को ठीक है फिर आप ट्रीटमेंट लोगे और फिर रिकवर हो गए तो आंसर इज टू थ्री वन फोर फाइव देन अगेन यूफोरिया हैप्पीनेस एम्बीवेलेंस एक्सटेसिव प्लेजर तो बच्चे ये जितने भी वर्ड्स हैं आपको अब आप देखो इंग्लिश से रिलेटेड आपको ये वर्ड्स दिए हुए हैं तो ये जितने भी आपको फाइव वर्ड्स दिए हुए हैं दैट ऑल स्टैंड फॉर जॉय तो ये जॉय की इंटेंसिटी बता रहे हैं क्लियर है तो सबसे कम अगर मैं जॉय की इंटेंसिटी बताऊं तो वो कौन बताता है इनमें से वर्ड्स दैट इज एम्बी बैलेंस थ्री सबसे पहले आएगा उसके बाद सेकेंड नंबर पर आता है हैप्पीनेस थोड़ा सा ज़्यादा खुश हो जाओगे तो उसके लिए वर्ड है दैट इज हैप्पीनेस हैप्पीनेस से आगे एक वर्ड है दैट इज अ प्लेजर लैजर के बाद रहेगा यूफोरिया देन रहेगा एक्सटेसी तो ठीक है तो इंटेंसिटी ऑफ ज्वाय सबसे ज़्यादा किस में रहेगी दैट इज एक्सटेसी और सबसे कम किस में रहने वाली है एम्बी बेलेंस में आई थिंक क्लियर होगा आपको ये ऑर्डर नेक्स्ट देखिए फ्रेज लेटर वर्ड सेंटेंस फ्रेज लेटर वर्ड सेंटेंस कैसे करोगे देखो ध्यान से तो स्टूडेंट्स आपको पता है जो लेटर्स हैं वो क्या बनाते हैं वर्ड्स बनाते हैं तो सबसे पहले लेटर आएंगे अल्फाबेट्स आएंगे लेटर तो से क्या बनेगा वर्ड बनेगा लेटर्स को जोड़ दिया तो आपने क्या बना दिया वर्ड तो और ग्रुप ऑफ स्मॉल ग्रुप ऑफ वर्ड्स को आप क्या बोलते हो दैट इज फ्रेज क्लियर है ठीक है फ्रेज से बड़ा क्या बनता है दैट इज सेंटेंस मीनिंगफुल ऑर्डर क्या बना दैट इज टू थ्री वन फोर टू थ्री वन फोर में क्या आया पहले लेटर आया फिर उससे वर्ड बना फिर फ्रेज बना फिर सेंटेंस बना नेक्स्ट हनी फ्लावर बी वैक्स हनी फ्लावर बी वैक्स में तुम ध्यान से देखो मुझे कैसे करना है सबसे पहले इसमें कौन सा आएगा फ्लार ठीक है फ्लार क्या देगा आपको क्या फ्लार बीज को क्या देगा नेक्टर देगा। एक लाइक -like जूस होता है शुगर जैसा एक जूस होता है, नेक्टर, ठीक है फ्लार से मिलेगा वो किसको मिलेगा दैट इज बीज बी क्या करेंगी उस नेक्टर से क्या बनाएंगी हनी बनाएंगी तो इस प्रोसेस में पहले टू आएगा फिर थ्री आएगा फिर वन आएगा और लास्ट में Money से क्या बनेगा क्या ऑप्टेन करोगेगा टू थ्री वन फोर सबसे पहले इसमें कौन सा प्रोसेस होने वाला है वो मुझे देखना है सबसे पहले आप क्या करोगे इसमें सबसे पहले आपके पास मनी होना चाहिए अगर आपको कुछ भी काम करना है तो मनी सबसे पहले आएगा मनी से आप क्या खरीद सकते हो साइट खरीद सकते हो ठीक है जैसे ही आपने साइट खरीदी तो उस पर आप प्लान कर सकते हो कुछ कि मुझे क्या इस पर करना है ठीक है देन उस पर आप क्या कर सकते हो कंस्ट्रक्शन कर सकते हो फोर वन टू सिक्स कंस्ट्रक्शन के बाद क्या बन जाएगा बिल्डिंग खड़ी हो जाएगी वहाँ पर बिल्डिंग बन जाएगी जैसे आप इस पिक्चर में देख पा रहे हैं ठीक है और उस बिल्डिंग से आपको क्या आना स्टार्ट हो जाएगा दैट इज रेंट आंसर क्या बना फोर वन टू सिक्स फाइव थ्री तो इसका आंसर क्या था फोर वन टू सिक्स फाइव थ्री तो आपको कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं उससे मैंने एक मीनिंगफुल ऑर्डर में अरेंज कर दिया है नेक्स्ट पुलिस पनिशमेंट क्राइम जस्टिस जजमेंट तो ये आपको कुछ यहाँ पर वर्ड्स दिए हुए हैं इन्हें मुझे लॉजिकली अरेंज करना है तो सबसे पहले तुम्हें पता है क्राइम होगा क्राइम होने के बाद क्या कौन आएगा पुलिस आएगी वहाँ पर पुलिस विल बी देयर ठीक है देन उसके बाद क्या क्या करवाया जाएगा जस्टिस करवाया जाएगा क्लियर है जस्टिस करवाया जाएगा कोर्ट में क्या दी जाएगी वहाँ पर जजमेंट दी जाएगी तो फिफ्थ आ जाएगा पहले और जजमेंट में क्या आ सकती है पनिशमेंट आ सकती है आंसर तो क्या बनेगा थ्री वन फोर फाइव टू ये रहेगा इसका करेक्ट सीक्वेंस आई थिंक क्लियर होगा आपको इस पिक्चर के थ्रू भी मैंने आपको काफी कुछ बताने की कोशिश की है इन सिक्स वर्ड्स के बारे में क्लियर है फ्रेंड्स नेक्स्ट एलिफेंट कैट मॉस्किटो टाइगर वेद तो अगेन ये अब इसमें जो कॉमन जो प्रॉपर्टी है दैट इज अगेन साइज अगर मैं साइज की बात करूँ तो सबसे कम साइज किसका रहने वाला है दैट इज मॉस्किटो तो थ्री सबसे पहले आएगा थ्री के बाद क्या आएगा इसमें दैट इज कैट आएगा मॉस्किटो के बाद कैट आएगा कैट के बाद टाइगर आएगा टाइगर के बाद क्या आएगा एलिफेंट एलिफेंट के बाद क्या आएगा वेल सो दैट इज थ्री टू फोर वन फाइव तो ये रहेगा इसका ऑर्डर दैट इज अकॉर्डिंग टू साइज कॉमन प्रॉपर्टी मैंने क्या रखी है इसमें साइज नेक्स्ट बुक पल्प टिम्बर जंगल पेपर अगेन इसमें मुझे प्रोसेस डिसाइड करना पड़ेगा सबसे पहले कहाँ जाओगे जंगल में तो फोर आएगा सबसे पहले जंगल में तुम्हें क्या मिलेगा टिम्बर मिलेगा टिम्बर मैंने शो किया हुआ है ठीक है टिम्बर से क्या बनाओगे पल्प पल्प निकालोगे सो दैट इज फोर थ्री टू बनेगा उसके बाद पल्प से क्या बनेगा दिस इज पल्प पल्प से क्या बनेगा पेपर बनेगा सो अगेन फाइव आ जाएगा पेपर से क्या बन जाएगी बुक बन जाएगी आंसर तो क्या बना फोर थ्री टू फाइव वन क्लियर है तो ये प्रोसेस तुम्हें ध्यान में रखना है नेक्स्ट नाइन कॉलेज चाइल्ड सैलरी स्कूल एम्प्लॉयमेंट तो यहाँ पर तुम ध्यान से देखो सबसे पहले क्या होगा चाइल्ड होगा सेकेंड तो पहले आएगा चाइल्ड कहाँ जाएगा उसके बाद स्कूल में जाएगा फोर आएगा स्कूल के बाद कहाँ जाएगा वो दैट इज कॉलेज में जाएगा फोर दैट इज वन कॉलेज में जाने कॉलेज पास आउट होने के बाद जैसे यहाँ पर आपको दिखाया गया है उसे क्या मिल जाएगी एम्प्लॉयमेंट मिल जाएगी तो फाइव आ जाएगा

तो इन टर्म्स को आपको ध्यान में रखना है तो अगर मैं मुझे इसे अरेंज करना है तो मैं किसी भी तरीके से अरेंज कर सकता हूँ इसे ठीक है ऊपर से नीचे भी कर सकता हूँ नीचे से ऊपर भी कर सकता हूँ असेंडिंग टू डिसेंडिंग असेंडिंग ऑर्डर में भी कर सकता हूँ और डिसेंडिंग ऑर्डर में भी इसे अरेंज कर सकता हूँ अगर मैं इसे डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करता हूँ तो सबसे पहले कौन सा आएगा ऑलवेज ठीक है ऑलवेज के बाद कौन सा दिख रहा है तुम्हें मैं यहाँ पर जनरली दिख रहा है ऑलवेज के बाद कौन सी टर्म बोलते हो आप जनरली यूज करते हो जनरली आ जाएगा थर्ड नंबर फाइव थ्री हो जाएगा ठीक है उसके बाद जनरली के बाद क्या है समटाइम्स आ जाएगा समटाइम्स के बाद इसमें क्या आ जाएगा दैट इज सेल्डम कभी कभार ठीक है कभी कभार आ जाएगा सेल्डम दैट इज़ फोर और नेवर आ जाएगा कभी नहीं सो so, लास्ट में वन ठीक है तो हमेशा आ जाएगा ठीक है उसके बाद जनरली आ जाएगा देन उसके बाद क्या आ जाएगा दैट इज़ समाइम्स ठीक है देन उसके बाद क्या होता है कभी दैट इज सेल्डम ठीक है देन नेवर कभी भी नहीं सो दैट इज वन ये इस तरीके से भी आप अरेंज कर सकते हैं और यहां से यहाँ कर सकते हैं या यहाँ से यहाँ भी अरेंज कर सकते हैं दैट अगेन विल डिपेंड योर प्रोवाइडेड इन द क्वेश्चन नेक्स्ट देखिए कुछ क्वेश्चन हैं आपके लिए जो कि आपको सॉल्व करना है तो आपको एक मिनट का टाइम दिया जाएगा उस क्वेश्चन को सोचने के बारे में और उसका आंसर आपको करना है सो दिस इज अगेन अ क्विज फॉर यू प्रोबेशन इंटरव्यू सिलेक्शन अपॉइंटमेंट एडवर्टाइजमेंट एप्लीकेशन तो आपको ये सिक्स वर्ड्स दिए हुए इसे एक मीनिंगफुल ऑर्डर में लगाना है ठीक है कौन सा वर्ड पहले आएगा वो आपको देखना है सो योर टाइम स्टार्ट्स नाउ ज यूर क्वेश्चन प्रोबेशन इंटरव्यू सिलेक्शन अपॉइंटमेंट एडवर्टाइजमेंट एप्लीकेशन सो दिस वॉज यूर क्वेश्चन आई थिंक अब तक आप इसे कर पाए होंगे तो सबसे पहले क्या करोगे आप सबसे पहले क्या निकाली जाती है किसी भी जॉब के लिए एडवर्टाइजमेंट निकाली जाती है तो फ़ाइव पहले आएगा उसके बाद क्या फ़िल करवाए जाते हैं एप्लीकेशन फॉर्म एप्लीकेशन देते हो आप सिक्स आएगा उसके बाद क्या कंडक्ट करवाया जाता है इंटरव्यू पहले रिटर्न टेस्ट होगा या उसके बाद इंटरव्यू आएगा तो रिटर्न टेस्ट तो नहीं दिया हुआ इसमें इंटरव्यू दिया हुआ है तो फाइव सिक्स टू होगा पहले देन उसके बाद क्या किया जाएगा सिलेक्शन किया जाएगा इंटरव्यू के बेसिस पर क्या किया जाएगा सिलेक्शन सिलेक्शन के बाद क्या होगा सिलेक्शन के बाद क्या किया जाएगा दैट इज़ अपॉइंटमेंट दी जाएगी दैट इज़ फोर अपॉइंटमेंट देने के बाद क्या दिया जाएगा दैट इज़ प्रोबेशन प्रोबेशन पीरियड रहेगा आपका कुछ टाइम के लिए ट्रेनिंग पीरियड रहेगा तो सबसे पहले आपको क्या 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 करोगे आप एडवर्टाइज करोगे ठीक है एडवर्टाइजमेंट दी जाएगी अगेन उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म्स फिल किए जाएंगे देन उसके बाद क्या करोगे आप इंटरव्यू दोगे देन उसके बाद आपका सिलेक्शन होगा देन उसके बाद अपॉइंटमेंट लेटर आपको दिया जाएगा देन उसके बाद आपको क्या रहेगा आपका ट्रेनिंग पीरियड रहेगा तो आंसर विल बी फाइव सिक्स टू थ्री फोर वन आई थिंक आपको करेक्ट रहा होगा ये ऑर्डर समझ आ गया होगा फाइव सिक्स टू थ्री फोर वन या एजुकेशन आई थिंक आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा समझ आया होगा सो कीप शेयरिंग योर वैल्यूएबल फीडबैक विद अस ठीक है और आपको कुछ वर्कशीट्स भी दी जाएंगी हर चैप्टर से रिलेटेड रीजनिंग के हर चैप्टर से रिलेटेड आपको क्या क्या दी जाएंगी वर्कशीट्स दी जाएंगी फॉर प्रैक्टिस So keep watching our channel, Yourpedia Education. Thank you.